पिताजी शिप्रा नदी में रामघाट के ऊपर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम जा रहे हैं बॉस रामघाट। एक्चुअली उज्जैन में रात को एक रेस्टोरेंट की पार्किंग थी अच्छी बड़ी, उसमें सोए थे और अभी रामघाट जा रहे हैं। गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में और फिर शिप्रा नदी में लगाएंगे डुबकी और उसके बाद जाएंगे महाकाल के दर्शन। जय महाकाल। जैन टी स्टॉल पे शिप्रा नदी में डुबकी लगाने से पहले पोहे और कुछ कचौरी वगैरह खा ली जाए। तो बॉस हम आ गए हैं रामघाट महाकाल की नगरी और गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में। हम आ गए हैं शिप्रा नदी के रामघाट पे और यहाँ पे हम एक बार डुबकी लगा लें। डुबकी लगा के फिर महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं। ये मैं डुबकी लगाते हुए बहुत बड़ी है ये नदी, ये तो फिर आपको पता ही है सबको। पानी भी बहुत ऊपर है, खाली दो सीढ़ी छूटा हुआ है। हाँ जी माँ जी, मेहता जी पानी कैसे है? ज्यादा ठंडा नहीं है। अच्छा, अपन पहाड़ों में जाते हैं वैसा नहीं है। पहाड़ों जैसा तो खैर नहीं होगा। चलिए जी, आज शिप्रा नदी में भी नहा लिए। ध्यान से फिसलन होगी सीढ़ियों पे। नहीं सीढ़ियों पे तो नहीं है, अपन पैर ऊपर करें तो ऐसा। हाँ वो बहाव तेज है ना पानी का। हाँ जी, हाँ जी, अपन सारी नदियों में डुबकी लगा लेना एक बार। हाँ कब है भाई? लगा लोगे? आपकी इच्छा महाकाल जरूर पूरी करेगा। बस ये वाला करवा दे और हमारे दर्शक हैं वो भी निकले, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी निकले और कहीं आसपास की नदियों से स्टार्ट करें और बस घूमे। सही बात है, सही बात, एकदम सही बोल रहे हैं आप। गीता शिप्रा नदी के तट पे बैठ तो गई है। हाँ गीता जी, क्या जी कहती थी? उज्जैन ले चलो, उज्जैन ले चलो। तो देखो तट पे डुबकी तो लगवा दी है, हैं? शिप्रा नदी में डुबकी लगवा दी है, अब बस महाकाल भी दर्शन करवा देता हूँ। कहती थी कहीं नहीं घुमाया, कहीं नहीं घुमाया। तो फ्रेंड्स ये आपके चक्करों में गीता को देखो सारी जगह घुमा रहा हूँ। फ्रेंड मैं गीता के से कह रहा हूँ आगे चली जा, तेरे तो कुछ नहीं होगा, तू तो हल्की है बंदे, जा नहीं रही आगे। हम चल दिए हैं जी महाकाल के दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स हम आ गए महाकाल मंदिर के रास्ते में, दोनों दर्शन कर ले, शिप्रा नदी में डुबकी लगाई ली थी और आपको मंदिर में शायद मुझे लगता है कैमरा अलाउ नहीं है तो वहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते। ये मेहता जी जय श्री महाकाल का त्रिपुंड बनवा रहे हैं और महाकाल का नाम लिखवा रहे हैं, माथे पर चंदन लगवा के महाकाल का नाम लिखवा रहे हैं और त्रिपुंड बनवा रहे हैं। बॉस फ्रेंड्स जय महाकाल। मैं वीआईपी वाली लेन में एंट्री तो कर गया हूँ पर प्रॉब्लम यह है कि कार्ड मैं गाड़ी में भूल गया था। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हमें अभी तक तो वीआईपी एंट्री मिली हुई है, पहुँचने वाले हैं गर्भगृह में। अगर आप देखते हैं तो हम पहुँचने वाले हैं अब गर्भगृह में और हमारे हुए हैं दर्शन अच्छे और हम रैम पे जा रहे हैं। अच्छे दर्शन हो गए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दर्शन। चलो अच्छे। और गीता जी बनवा रही है रक्षा सूत्र मंदिर में। ये मेहता जी हाथ में बन रहा है रक्षा सूत्र महाकाल मंदिर में। ओंकारेश्वर मंदिर के बाद में नंदी बहुत अच्छे। जय महाकाल, जय महाकाल।
देखिए महाकाल मंदिर में जो प्रतिमाएं लगी हुई है, बम बम भोले, और ये जो बना हुआ है देखिए आप, तुम आ गए जी काल भैरव उज्जैन में। और देखिए दोनों तरफ क्या दुकानें हैं, ये देखिए यहाँ पे जो ये बांधे हुए हैं सब अपने कुछ ना कुछ विश मनौती मांगने के लिए। काल भैरव भाई हमारी भी मनौती पूरी करेगा। ये आए हैं आंध्रा से, सच्चे भक्त है, और ये हैं सच्चे भक्त। ब्लेंडर काल भैरव के चढ़ाएंगे, ब्लेंडर प्राइड, तो पक्का आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी करेगा। गॉड ब्लेस। देखिए गीता जी और मैं लगे हुए हैं काल भैरव के दर्शन के लिए लाइन में, और बहुत देर से लगी भीड़, देखिए बहुत, अगर आप पीछे देखते हैं तो पूरा भीड़ ही भीड़ है। हम प्रवेश कर गए हैं श्री काल भैरव मंदिर उज्जैन। मंदिर यहाँ दिख रहे हैं, वहाँ भी शायद फ़ोटो लेना अंदर मना है, तो फोटो बस जहाँ तक अलाउ हुआ है वहीं तक आपको बता सकता हूँ, फिर तो बाद में आके एक्सपीरियंस बता। लाइन बाहर तक बस लाइन ही लाइन। देखिए श्रद्धालु इस तरीके से नारियल और ये सब कुछ चढ़ाते रहते हैं, तो ये निरंतर जो धुनी है ये चलती रहती है। ये श्रद्धालु यहाँ मनौती के लिए कुछ ना कुछ अपने वो बांधते हैं। देखिए उज्जैन में हमारे ओवरलैंडर साथी मिल ही गए। नमस्कार सर। तो देखिए बॉस, ये होता है ओवरलैंडिंग का नशा। हम मिले मंगलनाथ टेंपल के वहाँ पे, और ये हुआ कि क्या करेंगे यहाँ पे उज्जैन पे, उज्जैन वासी कह रहे चलो अपन कहीं बाहर चलते हैं, तो पहले एक बार लंच लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। एनर्जी आ गई बॉस मेरे में, गाड़ी में हो गया था डीजल कम, लबल अप कर दीजिए जी, पूरा कर दीजिए। भाई हम तो देखते थे कि राजस्थान में ही महंगा है, यहाँ पे एमपी में राजस्थान से ही महंगा है। तो बॉस मुझे लग रहा है जो गेट आ रहा है ये उज्जैन का इधर की मतलब इंदौर की तरफ जो हाईवे है उसका लास्ट गेट होगा, तो हम ऑलमोस्ट उज्जैन क्रॉस कर रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता, बिकॉज हमारे जो ओवरलैंडर साथी हैं उज्जैन से ही हैं, वो कह रहे हैं कि अपन दो तीन दिन का कोई ओवर कहीं पे कैंपिंग कर लेते हैं, तो मुझे और क्या चाहिए बॉस। खूबसूरत लंच करा, और लंच करने के बाद हम निकले हम इंदौर के लिए, और परसों मिल रहे हैं, तो परसों मिलने का वादा करके हम बिछड़ रहे हैं। तो अभी ये वापस उज्जैन और हम इंदौर की तरफ, इंदौर एक दो दिन मटर कश्ती करेंगे, फिर परसों तो आके तो हम दो चार दिन हम मटर कश्ती करेंगे। हम कर गए इंदौर में एंट्री, और इंदौर में अगर आप देख रहे हैं तो ये मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो है क्या है पता नहीं, पता मुझे लग रहा है मेट्रो है। इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर है वो तो पता लग ही रहा है यार, उसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हम आ गए हैं जितेश के, जितेश तो फैक्ट्री है, और सुनीता और सुनीता की बड़ी बहन जी वो यहाँ पे मिल गए हैं, सुनीता की मम्मी भी हैं। तो बस यहाँ पे हमारा डेरा आज का तो है ही है, मतलब अभी शाम तक का है, फिर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो जितेश आएगा उसके बाद ही सारा फाइनल करेंगे। सर ये हमें कोई गेम खिलवा रही है, उनका नाम क्या है? पिक्शनरी। तो बॉस देखो पिक्चर को देख के वर्ड बताना है। अतीदा हमारी टीचर कह दो, कुछ भी कह दो। तो अरे ये एक पंखा
फैन 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 यार, ये तो हमारी हार पक्की है। ऐसा थोड़ी है, देख लेना राजा सर्कल बना ही है। सोफे के आगे अलाउड नहीं हो गया, अभी एक ही पॉइंट। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। 1000 में मेरी बहना है नारी नारी मम्मी मदर मदर थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो, वर्ड दो तो जोर से बोल के। क्या क्या बताया, क्या बताया अतीदा, क्या बताया, गलत बताया तुमने। टेबल सेंट्रल टेबल 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 टॉप। अरे हो गया ये, अरे कंप्यूटर टेबल, टेबल टॉप, टेबल टॉप, अरे फोन ले, फोन ले, टेबल टॉप, अरे कैश कार्ड पे छोड़ दो, बैग, टीवी, बैग, अरे सॉरी ड्रॉ करो, टिकट, पेपर टिकट। ये रात को मजे लिए गेम में। अरे छुटकू, क्यों मम्मा जोर बोला था यार, जोर बोला था यार। सुनीता का बर्थडे सेलिब्रेशन, एंड अब हम जा रहे हैं गाड़ी में सोने। फ्रेंड्स ये है जितेश का घर, बट हम वादे मुताबिक हम सो रहे हैं। देखिए हमारा बेडरूम तैयार है, गाड़ी तैयार है, और हम चाह रहे हैं सोने। सो गुड नाइट।